हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पर ये पहली वीडियो है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। और हाउस प्रॉपर्टी जो से डील करता है वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक डील करता है, जो आपको पूरी एब्सोल्यूट नॉलेज प्रोवाइड करता है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी कैलकुलेशन के बारे में, या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। तो आप एक आम व्यक्ति अगर बोलेगा कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसे यही लगता है कि चार दीवारी होनी चाहिए, ऊपर एक छत होनी चाहिए, बस ये एक हाउस है या एक प्रॉपर्टी मानी जाती है हाउस प्रॉपर्टी। पर इनकम टैक्स के नज़रिए से देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी चार दीवारी की या छत की भी हो सकती है। अगर छत नहीं है फिर भी वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जा सकती है, या चार दीवार की बजाय सिर्फ तीन दीवार ही हो, या दो दीवार हो, या एक दीवार हो, या दीवार ही ना हो, फिर भी वो इनकम टैक्स की नज़र में हाउस प्रॉपर्टी उसे मान लिया जाता है। तो आइए चलते हैं कि किन किन कंडीशंस में ऐसे हाउस प्रॉपर्टी किन को इनको माना गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन 22, जहाँ पर ये बताया गया है कि कौन किसे लेकर या किस किसके ऊपर ये हाउस प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज की जा सकती है, हाउस प्रॉपर्टी में किन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। तो आइए चलते हैं, जिसमें पहला है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और अपर्टिनेंट देयर टू, ये वर्ड ध्यान देना, बिल्डिंग और अपर्टिनेंट देयर टू, ऑफ विच द एसेसी इज ओनर शैल बी सब्जेक्ट इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो हम यहाँ पर तीन या चार चीज़ें पढ़ेंगे, पहली एनुअल वैल्यू, दूसरी है बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू, तीसरा है ओनर। तो ओनर में वैसे में इंक्लूड्स डीम्ड ओनर भी होते हैं जो अंडर सेक्शन 9 उसे डिसाइड करता है। उसके बाद फिर हम डिडक्शन के अंडर सेक्शन 24A और अंडर सेक्शन 24B की डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो आइए चलते हैं पहले कि आखिर कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कंडीशंस फॉर टैक्सिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली कंडीशंस ये है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टिनेंट देयर टू। यहाँ पर हमने बताया था पहले कि एक आम व्यक्ति जो है या कोई भी हो, वो यही सोचता है कि चार दीवारी और उसके ऊपर एक छत हो तो वही हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी यहाँ उसको बोला गया है कोई भी बिल्डिंग या लैंड अपर्टिनेंट देयर टू, यानी कि बिल्डिंग के साथ लगी जमीन। तो मान लेते हैं कि ये आपकी बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है और उसके साथ ये लगी हुई ज़मीन है, यानी कि ये आपका रोड है। मान लेते हैं यहाँ से गाड़ी वाड़ी आती है, ये आपने गार्डन बना रखा है, ये सारी चीज़ें, तो ये बिल्डिंग तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी होगी ही होगी। बस उसके साथ जो ये ज़मीन है, यहाँ पर क्या चार दीवारी है? नहीं है। ऊपर से छत है? नहीं है। चारों तरफ से खुली दीवार है, फिर भी हम बिल्डिंग और बिल्डिंग से लगी ज़मीन को हाउस प्रॉपर्टी मान रहे हैं इस इनकम टैक्स लॉ में, ठीक है। तो पर अगर ध्यान देना कि अगर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी होगी, पर ये ज़मीन यहाँ पर एक खाली पड़ी है जो इसी ओनर की है, तो ये जो है ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं माना जाए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है और जो खाली लैंड है वो बहुत दूरी पर है। तो हमें ये देखना है कि बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू, यानी कि उसी के साथ लगी हुई ज़मीन, ऐसे, ठीक है, तभी हम उसको हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। तो अब ये चलते हैं दूसरी कंडीशंस क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी कि जिस हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या जो भी उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम प्राप्त होती है, जो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा अंडर इनकम टैक्स लो, वो उस प्रॉपर्टी का इन ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अगर किराया दे दिया है, किराएदार रख लिया है, अब किराएदार भी कहीं इनकम से कमा रहा है, तो वो उसकी जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि वो उस ज़मीन का या उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। यानी कि कैलकुलेट करने के लिए जिस प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। प्रॉपर्टी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट या डीम्ड लेट आउट, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो यूज़ की जा रही है या तो खुद के रहने के लिए की जा रही है या किराए पे लगाई जा रही है, ठीक है। तो अब पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात नोटिस करने लायक है कि अगर प्रॉपर्टी यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, तो ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि ये PGBP का पार्ट हो जाता है, ठीक
ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे, जहाँ पर हम पहले सेक्शन 27 को डिफाइन करेंगे, जो हमें डीम्ड ओनरशिप के बारे में बताता है। तो डीम्ड ओनरशिप पहले हम समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि उसे ओनर मान लिया जाता है, वो होता नहीं है लीगली, ही इज़ नॉट द ओनर, ही यू सी इज नॉट द ओनर, बट ही इज़ डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट सच प्रॉपर्टीज़। यानी कि उस प्रॉपर्टी का ओनर उसे मान लिया जाता है, लीगली वो ओनर नहीं, यानी कि उसके नाम से ना तो रजिस्ट्री हुई है, ना कुछ हुआ है, ना तो लीगल डॉक्यूमेंट्स बने हैं उसके नाम से, फिर भी वो टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ओनर मान लिया जाएगा। तो डीम्ड ओनर जो होते हैं वो नॉट द लीगल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, बट फॉर द कैलकुलेटिंग टैक्स SSC इज डीम्ड टू बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो आइए चलते हैं किन किन केस में लोगों को डीम्ड ओनर की माना जाएगा। तो पहला ये है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टू स्पाउस, यानी कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी को कर रखी है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो पति पत्नी ज़्यादातर देखा जाता है, तो पति पत्नी के बीच में ट्रस्टी वर्थीशिप रिलेशन क्रिएट होती हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी फ्री में दी गई है या कुछ एडवोकेट कंसिडरेशन देकर दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफ़र कर दी है और उसी के नाम से वो रजिस्ट्री करवाई है, फिर भी टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, यानी कि आप ही होंगे इसके डीम्ड ओनर। ठीक है, अब दूसरा है ट्रांसफ़र टू माइनर। ये सेक्शन 27 फर्स्ट बताता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी माइनर को ट्रांसफ़र कर दी, तो माइनर या फिर माइनर चाइल्ड होगा या माइनर मैरिड होगा। माइनर चाइल्ड में जिसने ट्रांसफ़र यानी कि जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, उसी के हैंड में अमाउंट जो होगा हाउस प्रॉपर्टी का, वो टैक्सेबल होगा, यानी कि वही डीम्ड ओनर कहलाएगा। अब अगर बात करते हैं माइनर मैरिड, यानी कि वो सन होगा या डॉटर होगा, अगर सन होता है तो ट्रांसफ़र ही डीम्ड ओनर होगा, और अगर डॉटर होती है तो ट्रांसफ़र डीम्ड ओनर नहीं होता, जहाँ उसकी शादी हुई है वो वहाँ की प्रॉपर्टी मान ली जाती है, मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि डीम्ड टू बी ओनर में माइनर मैरिड डॉटर की किताब में नहीं होता है हिसाब में। तो आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, जो सेक्शन 27 और सब सेक्शन सेकेंड हमें बताता है, डिफाइन करता है। नाम से ही पता चल रहा है इम्पार्टेबल स्टेट, यानी कि जिसे लीगली ही अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर रह रहे लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक घर है या कोई एक बड़ा सा जगह है जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं, जो लीगली अलग अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो ओनर नहीं माने जाएंगे। अमाउंट टैक्सेबल करने के लिए जो उस पूरे बिल्डिंग की देख रेख करता है या जो वो उस पूरे बिल्डिंग का मालिक है, उसे ही डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा, भले ही वो रह रहे हैं, चाहे वो अकुपाइड सेल्फ अकुपाइड के लिए ले रहे हैं या उन्होंने किराया दे रखा है, वो ओनर नहीं कहलाएंगे, जो उनका मालिक है वो डीम टू बी ओनर कहलाएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सेक्शन 27 एंड थर्ड डिसाइड करता है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर या जो बिल्डर्स होते हैं उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की, एक बिल्डिंग बनाई, और उसके बाद फिर लोगों को लीज़ या किराए पर देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्हें क्या कर दी, मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी। तो अगर देखा जाए तो लीगली ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई गई हैं वो उनकी है, पर ये अमाउंट को टैक्सेबल करने के लिए जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें ही डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा और उनसे ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट से, पर्सन इन पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर प्रॉपर्टी जो है ये सेक्शन 27 सब सेक्शन थर्ड ए डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अब वो आपके पास रखी हुई है, आपने एक प्रकार से सारे पैसे दे रखे हैं उसको, या आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, सेल कंसिडरेशन पेड हो चुका है, और सेल एग्रीमेंट नॉट कम्प्लीटेड इन फेवर ऑफ बावर, यानी कि एग्रीमेंट यानी कि आपने पैसे दे दिए, आपको प्रॉपर्टी मिल गई, पर आपके नाम से अभी उस प्रॉपर्टी के कागजात तैयार नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर पोजेशन आपके पास है उस प्रॉपर्टी का, तो आप उस प्रॉपर्टी के डीम टू बी ओनर कहलाओगे और आपकी टैक्सबिलिटी बनेगी फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब लास्ट पॉइंट है, हैविंग राइट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, ये सेक्शन 27 एंड थर्ड सब सेक्शन थर्ड डी बताता है, बी बताता है कि अगर
कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की गई है बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 इयर्स, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, या आपको दी गई है किराए पे रहने के लिए और आप 12 साल से ज़्यादा ही रह रहे हो वहाँ पर, तो ये आप उस प्रॉपर्टी के आप डीम टू बी ओनर कहलाओगे। और ये है कि वेयर द एनी राइट बाय वे ऑफ लीज इज एक्वायर्ड फ्रॉम मंथ टू मंथ, कि अगर आप उस रह रहे हो 12 साल से ऊपर रह रहे हो पर आप मंथली मंथली कह के रह रहे हो, यानी कि आप एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बना था आपके बीच में, आपने रह लिया, फिर अगले साल फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना और आप वहाँ पर रहे, तो ये केस एप्लीकेबल नहीं होता है। आप चाहे 12 साल रहो 13 साल रहो आप डीम टू बी ओनर नहीं कहलाओगे, पर अगर आपने एक बार में ही 12 साल से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है रहने के लिए या लीज़ पे लेने के लिए, तो आप उस प्रॉपर्टी के डीम टू बी ओनर कहलाओगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिख सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो जो होगी वो इससे आगे की होगी, इसलिए इसे देखते रहना। थैंक यू।